Good morning to everyone. I welcome you all on the YouTube channel of Disha Classes. So guys, हम आप सभी लोगों का all the students, participants and my near and dear loving children, again I welcome you all. You all are most welcome on the YouTube channel of Disha Classes. So guys, previous class में हम लोगों ने सेंटेंस के बारे में पढ़ा था और उस सेंटेंस को आज हम लोग आगे लेकर के चलते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई शुड एंड मस्ट टेल यू अबाउट व्हाट एवर वी हैव रेड अर्लियर. सबसे पहले हम आपसे बात करना पसंद करेंगे कि प्रीवियस क्लासेस में जो कुछ भी हम लोग पढ़े हैं उन चीजों पे एक नजर डालते हैं. गाइज, प्रीवियस क्लास में, पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा ये देखते हैं हम लोग. ये प्रीवियस क्लास में अब तक हम लोगों ने पढ़ा सेंटेंस के बारे में. व्हाट इज सेंटेंस? गाइज, सेंटेंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि सेंटेंस अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स मे बी अ सेंटेंस एंड इवन अ सिंगल वर्ड मे बी सेंटेंस. शब्दों का समूह सेंटेंस हो सकता है. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स और अ वर्ड मे बी सेंटेंस. शब्दों का समूह जो कि व्यवस्थित क्रम में होता है वो सेंटेंस हो सकता है और इसके साथ साथ एक शब्द भी सेंटेंस हो सकता है. गाइस, अब तक हम लोगों ने पढ़ा असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस. सो नाउ, राइट नाउ वी आर गोइंग टू रीड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस. बच्चों, आज हम लोग सेंटेंस का दूसरा पार्ट जो है उसे पढ़ने के लिए जा रहे हैं हम लोग आज. सबसे पहली बात यह है कि आज का जो हमारा सेंटेंस है, ये सेंटेंस हमारा है इम्फैटिक. बच्चों, क्या बोलेंगे? इम्फैटिक. सो गाइज, दिस इज इम्फैटिक सेंटेंस. आप देख सकते हैं इम्फैटिक सेंटेंस. एक्चुअली हमारे इंग्लिश में एक वर्ड है और वो वर्ड वर्ब होता है और वो वर्ड है आपका इम्फेसाइज. ई एम पी एस एस आई एस ई एंड ई एम पी एच एस आई जेड ई. यानी कि इसका स्पेलिंग जो है दो तरह से लिख सकते हैं हम लोग. लास्ट में एस ई भी आ सकता है और लास्ट में जेड ई भी आ सकता है. तो जो जेड ई आ रहा है डैट्स ऑल्सो करेक्ट. डैट इज ऑल्सो करेक्ट स्पेलिंग ऑफ इम्फेसाइज. बट जेड ई से जो लास्ट हो रहा है वो अमेरिकन स्पेलिंग है और एस ई से जो हो रहा है वो ब्रिटिश स्पेलिंग है. सो गाइज, इम्फेसाइज से बन गया आपका इम्फैटिक और इम्फैटिक का मतलब होता है जोरदार. क्या होता है? जोरदार. तो या तो आप इसको जोरदार बोलें या तो आप इसको दबाव सूचक बोलें. तो इम्फैटिक सेंटेंस का मतलब जोरदार वाक्य बोलेंगे या बोलेंगे दबाव सूचक वाक्य. अब आगे हम लोग देखते हैं अ सेंटेंस. अ सेंटेंस, अ सेंटेंस डैट इज यूज्ड टू इम्फेसाइज इज कॉल्ड इम्फैटिक सेंटेंस. वैसा वाक्य जिसका इस्तेमाल, जिसका प्रयोग जोर डालने के लिए, दबाव डालने के लिए किया जाता है वो इम्फैटिक सेंटेंस होता है. एक ही डिफिनेशन को, एक ही चीज़ को हम लोग कई तरह से डिफाइन कर सकते हैं. आने वाले कुछ चैप्टर्स को पढ़ने के बाद आई वुड लव टू एश्योर यू डैट यू विल बी कैपेबल ऑफ मेकिंग डिफिनेशन योर सेल्फ विदाउट द हेल्प ऑफ एनीथिंग. तो आने वाले कुछ चैप्टर को पढ़ने के बाद एक ही चीज को कई तरह से लिखने में आप सक्षम हो जाएंगे. लेट्स सी, तो देखेंगे हम लोग एक ही इम्फैटिक सेंटेंस को हम लोग और दूसरे तरह से कैसे डिफाइन कर सकते हैं. अ सेंटेंस डैट इम्फेसाइजेज अपॉन एन एक्शन. वाक्य जिसका प्रयोग
किसी कार्य पे, किसी वर्क पे, किसी एक्शन पे दबाव डालने के लिए, जोर डालने के लिए किया जाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इम्फैटिक सेंटेंस बोलते हैं। अ सेंटेंस दैट सिंपली मेक्स अ इम्फैटिक स्टेटमेंट, वाक्य जो कि सामान्य तौर पर, सामान्य रूप से जोरदार कथन बनाता है, क्या बनाता है? जोरदार कथन बनाता है, उसे हम लोग इम्फैटिक सेंटेंस बोलते हैं। सो गाइस, हम लोग जैसे भी बोलें, जिस तरह से हम लोग इसे डिफाइन करें, सारा चीज का मतलब जो सेंस है वो एक ही जा रहा है। तो सेंटेंस दैट इज यूज टू इम्फेसाइज इज कॉल्ड इम्फैटिक सेंटेंस। वैसा वाक्य जिसका प्रयोग जोर डालने के लिए किया जाए, दबाव डालने के लिए किया जाए, किसी काम पे, किसी एक्शन पे जोर डालने के लिए किया जाए, किसी एक्शन पे दबाव डालने के लिए किया जाए, वो हमारा क्या होता है? इम्फैटिक सेंटेंस होता है। अब जैसे जोर डालने की बात हम लोग करेंगे, दबाव डालने की बात हम लोग करेंगे, तो हम लोग देखते हैं ये। अब आपका फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर, फर्स्ट स्ट्रक्चर को हम लोग देखते हैं। ये जो आपका स्ट्रक्चर फर्स्ट है, ए में जो आपका स्ट्रक्चर है, ये क्या है गाइज? ये है डू प्लस बी वन प्लस ऑब्जेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, आप लोगों से हमारा एक सवाल है, एक क्वेश्चन है, वो प्रश्न है। वो हमारा सवाल क्या है, बिल्कुल आप ध्यान देंगे ये गाइज। हमारा सवाल है कि अभी अभी हम लोगों ने देख रहे हैं हम लोग बोर्ड पे कि डू प्लस भी वन प्लस ऑब्जेक्ट, डू प्लस भी वन प्लस ऑब्जेक्ट, ये इम्फैटिक सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर हम लोग इसे, अगर हम लोग बात करते हैं भी वन प्लस ऑब्जेक्ट, तो मेरे बच्चों आप बताएंगे ना कि किस सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। चलिए, हमने आपको समय दिया, आई गेव यू अ लिटिल टाइम, थोड़ा सा वक्त हमने दिया आपको, आप बिल्कुल हमें बताएं। ओके, ट्राई, कोशिश करें। ओके, यस, बिल्कुल आपने सही बोला। इम्फैटिक सेंटेंस का ये जो हमारा स्ट्रक्चर है डू प्लस भी वन, बट अगर हम लोग इसमें से डू को अलग कर देते हैं, डू को हम लोग क्या कर देते हैं? अलग कर देते हैं। ये आपका डू प्लस भी वन प्लस ऑब्जेक्ट। अब सपोज हम लोग डू को अलग कर देते हैं, तो आपका रह गया भी वन प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये बताना है आपको कौन सा सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर है आपका इंपरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, भी वन प्लस ऑब्जेक्ट, जिसकी मदद से हम लोग ऑर्डर देने का काम करते हैं, कमांड देने का काम करते हैं, एडवाइस देने का काम करते हैं, सजेशन देने का काम करते हैं, और किसी को, है ना, किसी काम से रोकने का काम करते हैं, प्रोहिबिशन को व्यक्त करता है। तो मेरे बच्चों, डू को हटा देंगे तो बन गया इंपरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, और इसके पहले अगर आप डू लगा देंगे तो बन गया आपका इम्फैटिक सेंटेंस का स्ट्रक्चर। माय स्टूडेंट्स, अब देखेंगे आप, लेट अस सी दिस एग्जांपल। डू रिंग मी अप इन द इवनिंग, डू रिंग मी अप इन द इवनिंग, मुझे शाम में जरूर फोन करें, मुझे शाम में जरूर फोन करें। मुझे शाम में जरूर फोन करें। मुझे शाम में जरूर फोन करें, या आप इसे दूसरा तरह से ऐसे बता सकते हैं कि मुझे शाम में, इन प्लेस ऑफ जरूर वी कैन यूज अवश्य, मुझे शाम में अवश्य फोन करें। गाइज, जब हम लोग इम्फैटिक सेंटेंस बनाते हैं तो हमें सबसे पहले बिगनिंग में हम लोगों को क्या डालना होता है? डू डालना होता है। ये और इसी डू डालने के फलस्वरूप वी यूज डू, वी पुट डू बिफोर द स्ट्रक्चर ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस, एंड दिस डू गिव्स द सेंस ऑफ जरूर। और ये जो डू जो है
ये हमारा जरूर का अर्थ देता है या एक और अर्थ क्या देता है, अवश्य का। तो या तो जरूर का अर्थ देता है या तो क्या चीज का अर्थ देता है, अवश्य का अर्थ देता है। सो मुझे शाम में जरूर फोन करें, मुझे शाम में अवश्य फोन करें, या मुझे शाम में जरूर फोन कीजिएगा, मुझे शाम में अवश्य फोन कीजिएगा। गाइज हम लोग वी हैव बीन डिस्कसिंग अगेन एंड अगेन, हम लोग बार बार इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं कि किसी भी चीज का वर्ड का हिंदी ढेर सारा होता है, हिंदी ढेर सारा होता है। ये कोई जरूरी नहीं कि किसी भी इंग्लिश सेंटेंस का एक ही हिंदी हो, उसका एक से ज्यादा हिंदी होता है। और हम लोगों को अपने लेवल को इस तरह से बेहतर बनाना है, बेहतरीन बनाना है कि हम लोग एबल नहीं हो जाएं, बल्कि हम लोग कैपेबल हो जाएं। लेट्स सी अनदर एग्जांपल। सो मैं मेरे बच्चों, अगर आपने यहां तक देख लिया है तो आप यहां तक नोट कर लें, बिल्कुल आप नोट कर लें और आगे हम लोग चलते हैं। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस। अब हम लोग देखते हैं इंपरेटिव सेंटेंस का दूसरा एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल जो आपका इंपरेटिव सेंटेंस का है, दूसरा एग्जांपल जो आपका इंपरेटिव सेंटेंस का है उसे देखते हैं। डू टेक एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग। गाइज ये आपका टेक एक्सरसाइज जो आपका हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका वर्ब का काम कर रहा है। कौन सा क्या काम कर रहा है, वर्ब का काम कर रहा है। इन द मॉर्निंग जो आपका हो गया क्या हो रहा है, फ्रेज का काम कर रहा है ये। और आपका ये भी वन हो गया, या अदर वर्ड आप बोले आप इसको, या अदर वर्ड बोले, कॉम्प्लीमेंट बोले, रिमेनिंग वर्ड बोले। डू टेक एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग, सुबह में कसरत जरूर करो, सुबह में व्यायाम अवश्य करो। नेक्स्ट एग्जाम्पल, डू टेक अ कप ऑफ टी। और हम लोग यहां ऐसे भी कह सकते हैं कि डू हैव अ कप ऑफ टी, क्या बोलेंगे, डू हैव अ कप ऑफ टी। तो या तो आप बोलेंगे डू टेक अ कप ऑफ टी या डू हैव अ कप ऑफ टी। एक कप चाय जरूर लें, एक कप चाय अवश्य लें, एक कप चाय जरूर पिए। डू रिवाइज योर लेसन्स, अपने पाठों को अवश्य दोहराएं, अपने पाठों को अवश्य दोहराएं। सो एक चीज गाइज हम लोग बार बार देख रहे हैं यहां पे, ये एक चीज जो बार बार आ रही है वो चीज क्या है, वो चीज है हम लोग सेंटेंस को इंफैटिक बनाने के लिए डू का प्रयोग कर रहे हैं, और इसी डू के वजह से इसका अर्थ जो है, शाब्दिक अर्थ जो है, इसका जो मीनिंग जो है, हिंदी का जो मीनिंग है वो उस मीनिंग में बार बार आ रहा है, जरूर आ रहा है, या क्या आ रहा है, अवश्य आ रहा है। सो गाइज आगे हम लोग चलते हैं, आप बिल्कुल नोट कर लें, देख लें आप इसे और आप इसे नोट कर लें। गाइज आपने नोट कर लिया और आगे हम लोग चलते हैं। ये लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स। अब जैसे सपोज आपके, अब जैसे कि सपोज आपके, सपोज आई गिव यू असाइनमेंट, हम आपको असाइनमेंट देते हैं, हम आपको एक्सरसाइज देते हैं और हम कहते हैं कि है ना ओके, हम बताते हैं कि अपने स्टडी पर ध्यान जरूर दो, अपने स्टडी पर ध्यान जरूर दो। तो लेट्स सी ओके, लेट्स सी वन मोर एग्जांपल, एक और एग्जांपल देखा जाए। वेल एक और एग्जांपल हमारा है, डू पे अटेंशन, डू पे अटेंशन, डू पे अटेंशन टू योर स्टडी, डू पे अटेंशन टू योर स्टडी। अपने अध्ययन पर ध्यान, अपने पढ़ाई पर ध्यान जरूर दें, अपने पढ़ाई पर ध्यान अवश्य दें। डू पे अटेंशन टू योर, डू पे अटेंशन, डू पे अटेंशन टू योर स्टडी, डू पे अटेंशन टू योर स्टडी। अपने अध्ययन पर ध्यान जरूर दें। गाइज लेट्स सी वन मोर एग्जांपल।
डू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. ओके, डू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग यानी कि सुबह में जल्दी अवश्य उठें. डू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. सो गाइज, सिंपली वी हैव टू यूज विल बिफोर V1 प्लस ऑब्जेक्ट. सिंपली वी हैव टू यूज डू. तो डू V1 प्लस ऑब्जेक्ट का जो हमारा स्ट्रक्चर है, इसके पहले हम लोग को क्या लगाना है? सामान्य रूप से डू लगाना है. बस आपके काम, आपका काम जो है वो आसान हो जाएगा. तो डू हम लोग जब लगाते हैं, एज ए रिजल्ट ये हमारा इंपरेटिव सेंटेंस जो है, आफ्टर यूजिंग डू इंपरेटिव सेंटेंस चेंजेस इनटू इंफैटिक सेंटेंस ऑटोमेटिकली. तो जैसे ही हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस के पहले डू लगाते हैं, खुद ब खुद ये जो हमारा है क्या बन जाता है आपका, ये हमारा बन जाता है इंफैटिक सेंटेंस बन जाता है. सो गाइज, आई होप यू आर गेटिंग. हम आशा करते हैं आप समझ रहे हैं, और क्यों नहीं, बिल्कुल आप ध्यान लगा करके देखते रहें और बिल्कुल गौर से देखें. सो गाइज, लेट्स सी अनदर स्ट्रक्चर ऑफ इंफैटिक सेंटेंस. सो मेरे बच्चों, इंफैटिक सेंटेंस का दूसरा उदाहरण अब हम लोग देखते हैं. ये तो इंफैटिक सेंटेंस का दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग अब. तो इंफैटिक सेंटेंस का हमारा जो आपका जो दूसरा स्ट्रक्चर है, वो दूसरा स्ट्रक्चर क्या है इसे देखते हैं हम लोग. दूसरा स्ट्रक्चर को इंफैटिक सेंटेंस के दूसरे स्ट्रक्चर को हम लोग देखते हैं. ये दूसरा स्ट्रक्चर ए नहीं, बल्कि ये आपका कौन सा स्ट्रक्चर है गाइस? ये बी है. इट्स अ टेक्निकल फॉल्ट. वेल, सो स्ट्रक्चर बी. अब ये स्ट्रक्चर बी क्या है देखते हैं हम लोग. ये सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज. सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. गाइज, एक्चुअली वी हैव नॉट स्टार्टेड टेंस. दरअसल हम लोगों ने टेंस को शुरू नहीं किया है अभी. हम लोगों ने टेंस को अभी शुरू नहीं किया है. जस्ट वी आर गेटिंग रेडी. हम लोग तैयार हो रहे हैं. हम लोग तैयार हो रहे हैं टेंस के लिए. हम लोग वार्म अप कर रहे हैं उसके लिए. सो गाइज, जब आप टेंस पढ़ेंगे हम लोग, तो आप टेंस पढ़ने के बाद आप जानेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसको बोलते हैं, उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट. गाइज, अब आप भी कह रहे होंगे, आप भी सोच रहे होंगे कि ये जो हमारे सर है ये तो अजीब है भाई. अभी सेंटेंस की बात चल रही है और एक बात कर रहे हैं टेंस का ये. सो गाइज, इंग्लिश में सारे चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड हैं, और सारी चीजें जो आपका लेवल जो है, वो लेवल आपका तैयार हो जाए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, इसी वजह से हम लोग चैप्टर को शुरू किए हैं. टेंस से बिफोर, टेंस से पहले हम आपको सेंटेंस बता रहे हैं. तो वैसे बच्चे जो टेंस जानते होंगे, वो जानते होंगे कि टेंस का हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस क्या हो जाएगा आपका, ऑब्जेक्ट हो जाएगा. मेरे बच्चों, अब ये V1 के जगह पे आप, अब ये जो V1 आपका है ना, इस V1 के जगह पे आप मान लो कि आपका क्या हो गया, डू है. V5 के जगह पे आपका ये है. ओके, लेकिन सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस का हमारा स्ट्रक्चर जो है वो होता है सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट. लेकिन इंफैटिक सेंटेंस में हम लोग क्या कर रहे हैं, कि बिफोर मेन वर्ब वी आर यूजिंग डू और डज. तो मेन वर्ब के ठीक पहले डू और डज का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं. तो मेन वर्ब के पहले अगर हम लोग डू और डज का इस्तेमाल करेंगे, अगर हम लोग डू और डज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर होगा. लेकिन जैसे ही हम लोग
मेन वर्ब के पहले डू और डज का इस्तेमाल करेंगे। तो डू और डज के बाद अगर मेन वर्ब आएगा तो क्रिया का पहला फॉर्म होगा। कौन सा फॉर्म होगा बच्चों? फर्स्ट फॉर्म। एक्चुअली आफ्टर डू डज और डिड ऑलवेज वी वन इज यूज्ड। हमेशा डू के बाद, डज के बाद और डिड के बाद क्या आता है? क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आता है, वी वन आता है। सो गाइस आप बिल्कुल इसे अपने इंटरनल मेमोरी में आप डाउनलोड कर लो इस बात को जो मैं लिखने जा रहा हूं आपके सामने और आपके लिए। मेरे बच्चों, बड़े से बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, चाहे आप एसएससी की बात कर लो, आप सीजीएल की बात कर लो, इस पॉइंट से आपका एक नंबर का कॉमन एरर तो बनना ही बनना है, कम वट में चाहे जो हो जाए। सो नोट में देखेंगे कि डू के बाद और डज के बाद और क्या, डिड के बाद। सो जब भी आपका डू आएगा, जब भी आपका डज आएगा, जब भी आपका डिड आएगा, तो जब भी किसी सेंटेंस में, जब भी किसी वाक्य में मेन जब भी किसी वाक्य में डू डज के बाद अगर मेन वर्ब का आना होगा तो वो कौन सा फॉर्म में होगा मेरे बच्चों? बी वन फॉर्म में होगा। बिल्कुल राइट, एब्सोल्युटली राइट। तो डू डज डिड, डू डज डिड के बाद, अगर डू डज और डिड के बाद अगर कोई मेन वर्ब आएगा, अगर डू डज और डिड के बाद क्या आएगा? मेन वर्ब आएगा, तो वो हमेशा उस मेन वर्ब का फॉर्म क्या होगा? बी वन होगा। ये मींस गाइज आप कह सकते हैं कि आफ्टर डू डज एंड डिड ऑलवेज ऑलवेज बी वन, ऑलवेज बी वन फॉर्म ऑफ वर्ब, बी वन फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड, ऑलवेज बी वन फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड। सो गाइस इन चीजों को हम लोग और बेहतर तरीका से टेंस में भी देखेंगे, बट आप अभी से इस बात को दिमाग में रखना शुरू कर दें। आने वाले क्लासेस में जब हम लोग टेंस शुरू करेंगे तो बार बार ये चीजें आएगी, और आप सिर्फ इस बात को अगर दिमाग में रखते हो, आप अगर सिर्फ इस पॉइंट को दिमाग में रखते हो, तो एक नंबर का एरर आपका, एक नंबर का प्रॉब्लम आपका है ना। ओके, किसी भी एग्जामिनेशन में, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, चाहे वो किसी भी तरह का एग्जामिनेशन हो, मैट्रिक ट्वेल्थ, हर जगह आपके लिए हेल्पफुल होगा ये। सो गाइज नाउ दोज स्टूडेंट्स, वैसे बच्चे, वैसे छात्र जो टेंस के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं, उनके लिए हम एक बात यहां पर और कर देते हैं। ये वेयर टू यूज डू एंड वेयर टू यूज डिड, कहां पे हम लोग डू का इस्तेमाल करेंगे, जहां पे हम लोग, कहां पे हम लोग डू का इस्तेमाल करेंगे, कहां पे हम लोग डज का इस्तेमाल करेंगे, ये चीज हमें लगता है बताना आपके लिए जरूरी है। सो गाइज आप इस बात को समझ लें, या अपने रफ में आप इस बात को नोट कर लें, और इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। एक्चुअली मैं मिटाने जा रहा हूं, डेट्स वाई आई डिसाइडेड टू इन्फॉर्म यू, इसलिए हमने सोचा कि आपको सूचित करते चलें। सो मेरे बच्चों, इसे देखने के बाद आगे हम लोग चलते हैं। अभी अभी हम लोगों ने जो बात किया था, अभी अभी हम लोगों ने बात किया था, वो हमारा बात था कि क्या बात था, ये हमारा बात ये है कि कहाँ पे हम लोगों को डू लगाना है और कहाँ पे हम लोगों को डज लगाना है। ओके, तो आप देखेंगे सब्जेक्ट आई, सब्जेक्ट वी, सब्जेक्ट यू, सब्जेक्ट दे, ये सारा जो प्रोनाउन है आई वी यू दे, गाइज ये प्रोनाउन है। मेरे बच्चों, ये जो अभी अभी हम लोगों ने बोर्ड पे लिखा है, ये क्या चीज है? ये प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? तो मेरे बच्चों, ये प्रोनाउन है, ये है आपका पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन का मतलब होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, और इसका इस्तेमाल व्यक्तियों को संबोधित करने के लिए किया जाता है जनरली। वेल, सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई विद सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, ये सारा प्रोनाउन हो गया। वेल, इसके बाद कुछ वैसे नाउन है जो कि हमेशा प्लूरल होते हैं, वो हम उसमें से जो बहुत ज्यादा जरूरी है वो लिख रहे हैं आपको यहां पे। अब अगर आपका आ जाए पीपल, अब अगर आपका आ जाए पुलिस, अब अगर आपका आ जाए कैटल,
अब अगर आपका आ जाए बॉयज, और अगर आ जाए आपका सुशांत एंड रिया, एसएस राजपूत एंड रिया चक्रवर्ती, सुशांत एंड रिया माय स्टूडेंट्स, ये ऑलरेडी प्लूरल है। क्या चीज है? प्लूरल। मेरे बच्चों, हम आपके साथ बहुत सारी बातें शेयर करेंगे। आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू शेयर अमंग यू ऑल, सो जस्ट हैव अ लिटिल पेशेंस एंड कीप ऑन वॉचिंग द यूट्यूब चैनल ऑफ दिशा क्लासेस। सो माय डियर एंड डियर स्टूडेंट्स, वेल देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स टू शेयर अमंग यू ऑल, यू नीड टू बी कंटिन्यू एंड रेगुलर, आपको सिर्फ नियमित रहने की जरूरत है। सो इन सारे अगर सारे जो हमारे वर्ड लिखे हैं, प्रोनाउन और कुछ नाउन है, प्लूरल नाउन है, सो इन सारे वर्ड्स के बाद इन सभी सब्जेक्ट के साथ हम लोग क्या लगाते हैं? इन सभी सब्जेक्ट के साथ बॉयज, नॉट बॉय, बॉयज, इन सबों के साथ हम लोग क्या लगाएंगे? डू लगाएंगे। मेरे बच्चों, अब यहां देखते हैं, इसके बाद हम लोग डू लगाएंगे। अब आपका सवाल है, आप कहेंगे कि सर जी आपने तो बताया नहीं कहां डू लगाया, आपने बता दिया, आपने ये तो बताया ही नहीं कि कहां पे डज लगाएंगे, तो बताना समाप्त नहीं हुआ है। वेल योर क्लास इज स्टिल गोइंग ऑन। मेरे बच्चों, दूसरा काम हम लोग को क्या करना है? दूसरा काम करना है कि बी सब्जेक्ट ही, बी सब्जेक्ट सी, बी सब्जेक्ट ई एंड बी द सिंगुलर कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन, सिंगुलर बी द प्रॉपर नाउन, सिंगुलर प्रॉपर नाउन एंड बी द सिंगुलर कॉमन नाउन। वेल बी द सिंगुलर कॉमन नाउन वी यूज डज। तो बच्चों, इससे ज्यादा अभी यहां पे नहीं देखना है, जब आप टेंस चलेगा तो आप बहुत सारी बातें आप वहां पे देख लेंगे। ये सो बिल्कुल आप याद रखेंगे, आपका एम्फैटिक सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। गाइज, हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है वो आपका फर्स्ट सेंटेंस क्या कहता है देखेंगे आप। आई डू स्पीक लाउडली, मैं जोर से बोलता ही तो हूं। अगर आप, एक सवाल है आपके बीच में, अगर आप यहां से डू को हटा देंगे, अब हमारे में से वैसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि बताएंगे कि अगर यहां से डू को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? आई डू स्पीक लाउडली ये इंफैटिक सेंटेंस है, बट यहां पे क्वेश्चन आपके लिए ये है कि अगर इस सेंटेंस से हम लोग डू को निकाल देते हैं, डू को हटा देते हैं, तो क्या बनता है? सो माय डियर एंड डियर लविंग स्टूडेंट्स, अगर डू को लगा देंगे ना, तो बिल्कुल आपने सही गेस लगाया, बोलिए 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 बोलिए, यस राइट, बिल्कुल किन्हीं ने सही बताया आपने। अगर हम लोग डू को यहां से हटा देते हैं, डू को डिलीट कर देते हैं, तो आई स्पीक लाउडली, मैं जोर से बोलता हूं, ये हमारा कौन सा कैसा सेंटेंस बन गया? ये हमारा सेंटेंस बन गया सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक सामान्य वाक्य बन गया, सामान्य सिंपल प्रेजेंट का एक सिंपल सेंटेंस हो गया, सामान्य वाक्य हो गया। बट इफ वी यूज डू बिफोर मेन वर्ब, इट चेंजेस इनटू इंफैटिक सेंटेंस। और इसका हिंदी क्या होता है देखेंगे आप। मैं जोर से बोलता ही तो हूं, मैं जोर से बोलता ही तो हूं, मैं जोर से बोलता ही तो हूं। अब अगर जोर से नहीं बोलेंगे तो आप समझेंगे कैसे? वेल, तो मैं जोर से बोलता ही तो हूं, तो इंफैटिक सेंटेंस का स्ट्रक्चर बी में जो एग्जांपल आएगा, उस सारे एग्जांपल्स में हम लोग देखेंगे क्या लगा रहेगा, उस सारे एग्जांपल्स में लगा रहेगा, क्या लगा रहेगा? हिंदी में लगेगा डू, और इंग्लिश में उसका अर्थ आएगा मैं बोलता ही तो हूं। ओके, राधा ब्यूटी पार्लर चलाती ही तो है। अबोध सर मैथमेटिक्स पढ़ाते ही तो हैं, एक सिंपली हो गया आपका, अबोध सर मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, उस सामान्य वाक्य हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस का मेरे बच्चों। लेकिन अगर हम लोग बोलते हैं अबोध सर मैथमेटिक्स पढ़ाते ही तो हैं, तो मेरे बच्चों ये कैसा सेंटेंस हो गया? इंफैटिक सेंटेंस हो गया। वेल लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ इंफैटिक सेंटेंस। वेल स्ट्रक्चर बी का दूसरा एग्जांपल देखते हैं। She does make a noise. She does make a mistake and make a noise is also correct.
शी डज मेक अ मिस्टेक, वो गलती करती ही तो है। अब आप देख सकते हैं सब्जेक्ट आपका सी है, सब्जेक्ट आपका क्या है, सी है। तो अगर आपका सब्जेक्ट सी है तो सी के साथ आप क्या लगाए हैं, डज। आप देख सकते हैं आपको बताया गया कि सी के साथ आपको डज लगाना है। वेल, अपने प्रीवियस एग्जांपल में आपने लगाया था मैं जोर से बोलता ही तो हूं, तो आई के साथ आपने क्या लगाया था, आई के साथ, मैं के साथ आपने क्या लगाया था, डू लगाया था। मेरे बच्चों, जो ऊपर में आपको ये नोट हमने बताया है, ये 2000 रुपए का नोट तो नहीं है, 500 रुपए का भी नोट नहीं है, बट उन सारे जो 2000 और 500 के नोट है उनसे ज्यादा ताकतवर नोट है ये। वेल, सी डज मेक अ मिस्टेक, वो गलती करती ही तो है, वो गलती करती ही तो है। वेल वेल, राहुल डज कम ऑन टाइम, राहुल डज कम ऑन टाइम। तो गाइज आप देख लेंगे, हम इसको बोर्ड को थोड़ा ऊपर नीचे करने जा रहे हैं, यहां तक आप देख लेंगे। वेल, अगर आप समझ चुके हैं इन चीजों को तो आगे हम लोग चलते हैं। ये आपका दूसरा एग्जाम्पल जो हमारा है, राहुल डज मेक अ, राहुल डज कम ऑन टाइम, राहुल डज कम ऑन टाइम, राहुल डज कम ऑन टाइम मीन्स राहुल समय पर आता ही तो है, मीन्स राहुल समय पर आता ही तो है, राहुल समय पर आता ही तो है। तो राहुल डज कम ऑन टाइम, मेरे बच्चों ऑन टाइम का मतलब होता है समय पर, ऑन टाइम का मतलब क्या होता है, समय पर। और अगर कोई समय से पहले आएगा तो क्या बोलेंगे, एनीबडी कैन आंसर, कैन एनीबडी आंसर, नो, यस, ट्राई, वेल डन। ऑन टाइम का मतलब मेरे बच्चों हो गया, ऑन टाइम का मतलब हो गया मेरे बच्चों समय पर। एंड माई स्टूडेंट्स, इन टाइम अगर आप बोलोगे, अगर आप बोलोगे इन टाइम, आप क्या बोलेंगे, इन टाइम, इन टाइम का मतलब होता है बिफोर टाइम, समय से पहले। इन टाइम का मतलब क्या होता है, बिफोर टाइम, समय से पहले। ऑन टाइम समय पर, इन टाइम समय से पहले, इन टाइम समय से पहले। तो राहुल डज कम ऑन टाइम, राहुल समय पर आता ही तो है, राहुल समय पर आता ही तो है। वेल, लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स, कुछ और एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। ये गाइज हमारा जो अगला एग्जांपल आपका है, हम लोगों का, उस एग्जांपल को हम लोग देखते हैं। ये द चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन डू मेक अ नॉइज, द चिल्ड्रेन डू मेक अ नॉइज, बच्चे लोग, बच्चे लोग, बच्चे लोग शोर करते ही तो हैं। गाइज चिल्ड्रेन जो हमारा वर्ड है, ये वर्ड ऑलरेडी प्लूरल है, चाइल्ड सिंगुलर और चिल्ड्रेन प्लूरल, द हमारा क्या है, डिफिनिट आर्टिकल, जिसे डिटरमाइनर्स भी आप कर सकते हो। तो सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारा एक्जुलरी वर्ब भी प्लूरल है, डू प्लूरल वर्ब है, हम लोग आगे के क्लास में डिस्कस करेंगे इन बातों को, काफी शानदार और बेहतरीन तरीके से हम लोग देखेंगे ये। मेक अ नॉइज, शोर करना, हल्ला करना, तो बच्चे लोग शोर करते ही तो हैं, बच्चे लोग शोर करते ही तो हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है द क्रिमिनल्स, द क्रिमिनल्स डू डॉज द कॉप, मेरे बच्चों कॉप मीन्स पुलिस, द क्रिमिनल्स डू डॉज, द क्रिमिनल्स डू डॉज द कॉप, यानी कि अपराधी लोग पुलिस को चकमा देते ही तो हैं। डॉज मीन्स चकमा देना, डॉज मीन्स चकमा देना। गाइज ये जो आपका वर्ड पावर का मसला है ना, ये एक वर्ड पावर का मसला हम लोग जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं उसी चैप्टर को पढ़ने के दरमियान ही हमारा वर्ड पावर काफी अच्छा हो जाएगा अगर आप थोड़ा सा स्पेशल अटेंशन देते हैं तो। इफ यू पे स्पेशल अटेंशन, वेल, तो ड्यूरिंग क्लास, व्हाइल रीडिंग चैप्टर,
चैप्टर को पढ़ने के दरमियान ही जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हमारे लिए हैं, हम लोग उसका काम भी साथ साथ करते जाएंगे, और अगर आवश्यकता पड़ी तो वोकेशनल का वोकेबलरी के लिए, वर्ड पावर को इम्प्रूव करने के लिए अलग से हमारा क्लास चलेगा, उसके लिए भी अलग से हमारे बैच होंगे। वेल, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सब्जेक्ट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर सी। तो यहाँ तक आप नोट कर लें, देख लिया, लिख लिया, वेरी फाइन, नाइस। अब देखेंगे हम लोग स्ट्रक्चर, कौन सा स्ट्रक्चर है ये? ये स्ट्रक्चर है हमारा, ये कौन सा स्ट्रक्चर है? ये स्ट्रक्चर है आपका सी। वेल, ये स्ट्रक्चर हमारा कौन सा है? सी स्ट्रक्चर है ये, ओके। तो स्ट्रक्चर सी देखते हैं हम लोग अभी, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस बी वन प्लस ऑब्जेक्ट। बच्चों, एक चीज तो आपको लग रहा होगा, दिमाग में आ रहा होगा कि डू का बी टू फॉर्म होता है डिड, और ये बी टू जो है प्रेजेंट है, और बी टू को बोला जाता है पास्ट। बी वन इज कॉल्ड प्रेजेंट एंड बी टू इज कॉल्ड पास्ट। तो पास्ट है तो पास्ट का वाक्य, यू आर राइट। ये सारे सेंटेंस जो है ये सिंपल पास्ट टेंस पर आधारित है। तो बच्चों, यहां पे हम लोग देखते हैं सिंपल पास्ट को, एक नजर डालते हैं तेजी से हम लोग ये। वैसे बच्चे जो हमारे जो सिंपल पास्ट टेंस जानते होंगे, वो जानते होंगे कि सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट। एक्चुअली यहां पे हम लोग करते क्या है, वेल, अब अगर ऐसा सेंटेंस होगा, अगर ऐसा स्ट्रक्चर अगर रहता तो सिंपल सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य होता, बट नहीं, ऐसा नहीं है। यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, मेन वर्ब के पहले डिड लगा रहे हैं। अब यहां पे फिर वही बात आ गई कि जब भी डू के बाद, डज के बाद और डिड के बाद अगर मेन, अगर वर्ब आएगा तो वर्ब का फॉर्म क्या होगा, भी वन होगा। मेरे बच्चों, कैसा फॉर्म होगा, भी वन होगा, बिल्कुल आप ध्यान लगा करके देखते रहेंगे। वेल, तो ये आपका भी वन होगा, और भी वन के बाद हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा ये। तो ये सामान्य सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य हो गया मेरे बच्चों, और ये होगा अगर आप इसके पहले हम लोग, अगर हम लोग इसमें डिड लगाते हैं तो डू डज और डिड का ऐसा नेचर ही है कि उसके बाद हमेशा क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आएगा, भी वन आएगा। क्यों आएगा, हम लोग टेंस जब पढ़ेंगे डेट वेरी टाइम वी शैल डिस्कस, हम लोग इस बात पर है ना डिस्कशन करेंगे हम लोग वहां पर। ये यहां पे देखेंगे इसका कैसा हिंदी होता है, ही डिड रिसीव मी, ही डिड रिसीव मी। इसका हिंदी हम लोग कई तरह से कर सकते हैं। एक हिंदी आपका होता है, वह मुझे धोखा देता ही तो है, वह मुझे धोखा देता ही तो है। वह मुझे धोखा देता ही तो है, या इसे और दूसरा तरह से बोल सकते हैं, बार बार हम लोग इस बात को कर रहे हैं कि हिंदी जो है, हिंदी का जो सेंस है वो एक से ज्यादा होता है। वेल, यानी कि दूसरा सेंस हमारा क्या होता है, देखेंगे आप, वह मुझे धोखा देता ही तो है। अब कहेंगे कि है ना, ओके, अब आप यहां पे वह नहीं बोल करके आप बोल सकते हो इसे, आप उसने मुझे धोखा दिया ही, उसने मुझे धोखा दिया ही, उसने मुझे धोखा दिया ही, ओके। वेल, उसने मुझे धोखा दिया ही, या वह मुझे धोखा देता ही तो था, है नहीं मेरे बच्चे, क्या होगा, था। तो या तो आप बोलेंगे वह मुझे धोखा देता ही तो था, या उसने मुझे धोखा दिया ही। अब ही आ रहा है तो ऐसा नहीं समझेंगे आप कि सिंपल ये प्रेजेंट टेंस का वाक्य, नो, ये पास्ट टेंस का वाक्य है। उसने मुझे धोखा दिया ही, मैंने कल शाम में आपको फोन किया ही, बिल्कुल आप कोशिश करेंगे समझने की, हम एक्चुअली व्हाट आई वांट टू टेल यू, जो हम बताना चाह रहे हैं उस बात को आप समझ रहे होंगे। तो आपने कल मुझे शाम में फोन किया ही, एक फोन करने का जो हमारा काम है ये बीत गया काम, ये है ना, ये बीत गया, बीता हुआ प्रेजेंट हो गया ये, तो बीता हुआ प्रेजेंट हो गया तो क्या होता है, पास्ट होता है ये। तो वह मुझे धोखा देता है तो था, या उसने मुझे धोखा दिया ही। सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही, सब्जेक्ट हमारा क्या ही, उसके बाद क्या लगाएंगे हम लोग, डिड, और धोखा देने का मीनिंग होता है डिसीव, और मुझे हे डिड डिसीव मी, मींस उसने मुझे धोखा दिया ही, या मुझे धोखा देता ही तो है। मेरे बच्चों, हम लोग इस बोर्ड को थोड़ा हम लोग स्लाइड कर रहे हैं,
यहां तक आप देख लेंगे चीजों को बिल्कुल बेहतरीन चीजों बेहतरीन तरीके से आप देखेंगे मेरे बच्चों। बिल्कुल हम लोगों ने संकल्प लिया है कि आपका लेवल जो है उस लेवल को बेहतर बनाना है और आपका जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर होना है। और वैसे बच्चे वैसे हमारे स्टूडेंट्स जो इंग्लिश में काफ़ी कमजोर हैं डेफिनेटली वो भी सारी चीज़ों को समझेंगे, बस आप लगातार देखते रहें दिल से मन से। मेरे बच्चों आगे हम लोग चलते हैं, आगे हम देखना है वेल लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स। कुछ और एग्जांपल देखते हैं, दूसरा एग्जांपल हमारा है, दूसरा एग्जांपल आपका क्या है देखेंगे आप। सेकंड एग्जांपल आपका है सी डिड बैक बाइट, वो चुगली करती ही तो थी या उसने चुगली की ही। वेल गाइज कुछ और सेंटेंस हम लोग देखते हैं तीसरा सेंटेंस हम लोग देखते हैं नंबर थर्ड में जो हम लोग सेंटेंस देख रहे हैं वो सेंटेंस क्या देखेंगे मेरे बच्चों। वेल सोनिया डिड क्विट हर पोस्ट। सोनिया ने अपना पोस्ट को छोड़ ही दिया। सोनिया ने अपने पद को छोड़ा ही। वेल ओके इट डिड रेन cats and dogs yesterday। कल मूसलाधार वर्षा हुई ही। गाइज यहां पे आप इट कर लोगे ये। सो इट डिड रेन कैट्स एंड डॉग्स यस्टरडे, कल मूसलाधार वर्षा हुई ही। गाइज वन मोर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं ये। राहुल क्या हम लोग बोलेंगे, राहुल फर्स्ट आया ही। गाइस इम्फैटिक सेंटेंस जो है इसे हम लोग इतने तरह से देख सकते हैं, ये इम्फैटिक सेंटेंस का आपका स्ट्रक्चर है। तो वेल इस तरह से हम लोगों ने पूरा सेंटेंस को देख लिया, हम लोगों ने पूरा सेंटेंस को इस तरह से हम लोगों ने इसे पढ़ लिया। गाइज ये पूरा सेंटेंस जो है ये आपके मस्तिष्क में हमेशा होना चाहिए, आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए। अगर आपका ये सेंटेंस जो है अगर आप इसे नहीं पहचान पाएंगे, वेल इफ यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द सेंटेंस कि सेंटेंस हमारा कैसा सेंटेंस है कौन सा सेंटेंस है, डेफिनेटली इट विल क्रिएट अ लिटिल बिट प्रॉब्लम। तो आगे के क्लास में हमेशा हम लोगों ने एग्जाम्पल्स देखा इम्फैटिक सेंटेंस का, हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा। ये जो हमारा नंबर 4 पर एग्जाम्पल है था आपने देखा अभी, इट डिड रेन कैट्स एंड डॉग्स यस्टरडे, कल मूसलाधार वर्षा हुई ही। राहुल परीक्षा में प्रथम आया ही। वेल इट डिड रेन एवरी डे इन लंदन, देख सकते हैं It did rain
एवरीडे लंदन, लंदन में रोज वर्षा होती ही तो थी। लंदन में रोज वर्षा होती ही तो थी, इस तरह का सेंटेंस आपका बन रहा है ये। सो स्टूडेंट्स, अब आप कह सकते हैं, हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारा सेंटेंस है, इम्फैटिक सेंटेंस जो है, वो इम्फैटिक सेंटेंस आपका समाप्त हुआ। इम्फैटिक सेंटेंस समाप्त हुआ और इसी के साथ हमारा सेंटेंस जो चैप्टर है वो भी समाप्त हुआ। वेल, तो गाइज, सेंटेंस चैप्टर के बाद हमारा चैप्टर जो है, हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है, वो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, वो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है टेंस। बच्चों, टेंस के बारे में आपने जरूर सुना होगा। वेल, तो टेंस जो है, वेल, दिस इज एन इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ये हमारा टेंस जो है इंग्लिश ग्रामर का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और टेंस जो है ये जरूरी है मैट्रिक के बच्चों के लिए। ओके, इट्स नेसेसरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ मैट्रिक। ट्वेल्थ के जो बच्चे हैं उनके लिए जरूरी है। टेंथ से नीचे के जो बच्चे हैं, चाहे वो CBSE बोर्ड के बच्चे हो, चाहे वो बिहार बोर्ड के बच्चे हो, वेल, सो मच सो डैट, यहाँ तक कि ये जो हमारा टेंथ चैप्टर जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वेल रोल प्ले करता है। वेल, इवन फॉर द कम्पिटिटिव स्टूडेंट, यहाँ तक कि जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, SSC की बात आप कर लें, CGL की बात आप कर लें, UPSC की बात आप कर लें, BPSC की बात आप कर लें, इन सारे कंपिटेटिव एग्जामिनेशन में भी बगैर टेंस की कल्पना नहीं की जा सकती है। सो गाइज, हम लोग आगे बात करेंगे वेल कि क्यों टेंस जरूरी है और क्यों टेंस से ही क्यों शुरू किया जाए। इन इंग्लिश ग्रामर देर आर लॉट ऑफ चैप्टर्स, अंग्रेजी व्याकरण में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, लेकिन टेंस से ही क्यों शुरू करें। तो गाइज, हम लोग टेंस शुरू करेंगे कल की क्लास में, और वेल, और फिर हम लोग देखेंगे वेल कि टेंस क्यों इंपॉर्टेंट है और टेंस ही क्यों शुरू करें, अन्य चैप्टर क्यों नहीं शुरू करें। सो गाइज, सेंटेंस जो आपका हमारा है, सेंटेंस चैप्टर आपका समाप्त होता है। इस पूरे सेंटेंस पे आप घर में एक्सरसाइज करो, वेल, आप घर में इसका रिवीजन करो, और जहां कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो, वेल, डू कंसल्ट अस, वेल। और सो गाइज, अब हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। नाउ द टाइम हैज कम टू डिपार्ट फ्रॉम यू ऑल, वक्त आ गया है आप सभी लोगों से जुदा लेने का। बट अब से जुदा लेने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि बिल्कुल मन से, दिल से आप हमसे जुड़े रहें, हमारे चैनल से जुड़े रहें, और अपना फीडबैक देना नहीं बोलें। मेरे गाइज, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो लाइक करना भी ना भूलें। गाइज, ये हम लाइक करने के लिए आपको इसलिए बोल रहे हैं ताकि हमारा मकसद है, हमारा अभियान है, हमारा पर्पस है कि वैसे छात्रों को जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, दोज हु आर नॉट गुड एट इंग्लिश, हमें उन्हें भी मजबूत बनाना है। तो थोड़ा सा स्वार्थी नहीं बनो मेरे बच्चों, माय स्टूडेंट्स, थोड़ा सा शेयर कर दो, हमारे उन बच्चों को भी दे दो जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, या इंग्लिश को, जिनका इंग्लिश का लेवल जो और बेहतर करना चाहते हैं, आप उन्हें जरूर शेयर कर दो। मेरे बच्चों, आपने अंग्रेजी में एक कहावत सुना होगा, गुड माइंड गुड फाइंड, कर भला तो हो भला, आप भला तो जग भला। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे जुदा लेना चाहेंगे। तो मेरे बच्चों, दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो, बाय।